नमस्कार दोस्तों, रैबिट फार्मिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मैं राहुल पटेल हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं रैबिट ट्रेनर राहुल पटेल आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आपके खरगोश अपनी ही पॉटी खुद खा जाते हैं, अपनी ही लैट्रिन खुद खा जाते हैं, इसका क्या कारण है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन हमसे मनीष पटेल ने हमारे कमेंट बॉक्स में पूछा है कि सर, हमारा रैबिट है वो पॉटी खुद खा जाता है, उसका क्या सोल्यूशन करें आज हम। और हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि आप मेरे पीछे मेरा रैबिट फार्म देख रहे हैं, इसमें करीब अभी इसी वक्त 2200-2300 के करीब रैबिट है, जिनकी मैं पूरा जिनको सुबह से शाम तक मैं ही ट्रेन करता हूं, देखता हूं इनकी दवा, इलाज, बीमारियां, हर चीज के बारे में सिर्फ मैं ही जानकारी रखता हूं अपने यहाँ, और मैं ही इसको पूरी तरीके से देखता हूं। यदि आपका कोई क्वेश्चन है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका भाई आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएगा, जैसे हम आज आप मनीष जी के लिए वीडियो बना रहे हैं, वैसे हम आपके लिए भी वीडियो बनाएंगे और आपको लिंक शेयर करेंगे। चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं कि खरगोश आखिर पॉटी क्यों खाता है। देखिए, ये एक ऐसी ही बात है, कहानी की तरह एक बात है कि मतलब एक जैसे कहते हैं रहस्यमयी कहानियां, उसी तरह ये भी एक खरगोश से जुड़ा एक रहस्य है कि खरगोश अपनी पॉटी खुद खा लेता है। खरगोश अपनी पॉटी क्यों खा लेता है? देखिए, खरगोश अपनी खुद पॉटी खा लेना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे बड़ा जानवर होता है वो अपना जो फीड है, खाना है, जैसे गाय भैंस है अपना चारा खा लेती है, उसके बाद क्या करती है, ऐसे ऐसे मुंह चला के जुगाली करती है, तो उसके पेट में जो खाना चला गया है फिर वो गले से मुंह में आता है, उसमें जो सलाइवा है लार का वो फिर से मिलके फिर अंदर चला जाता है, उससे जानवर अपना भोजन पचाता है और जो खाने में बचे हुए न्यूट्रिशंस है उनको दोबारा से या अच्छी तरीके से गेन कर लेता है। अब खरगोश की यहाँ अब हम आते हैं खरगोश से, खरगोश अपनी पॉटी क्यों खा लेता है। देखिए, खरगोश की पॉटी खाने की प्रक्रिया को हम ऑटोकॉर्फोफेजी कहते हैं। मतलब खरगोश यदि अपनी पॉटी खा रहा है तो इसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया को हम ऑटोकॉर्फोफेजी कहते हैं। देखिए, खरगोश अपनी पॉटी इसलिए खाता है क्योंकि उसका जो पाचन तंत्र है बहुत ही कमजोर होता है। खरगोश का पाचन तंत्र स्ट्रांग न होने के कारण वो जो पॉटी करता है उसमें बहुत सारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो बिना पचे हुए ही बाहर निकल जाते हैं, इसलिए खरगोश उनको दोबारा खा के पचा लेता है। ये एक ऐसी ही प्रक्रिया है जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा जानवर है, गाय भैंस, जैसे वो जुगाली करके भोजन पचाता है, उसी तरह खरगोश जो उसका जो वीट निकल गई है, जो उसकी पॉटी निकल गई है, उसमें जो बचे हुए न्यूट्रिशंस है उस पॉटी को दोबारा खा के फिर से उसको पचाता है। इसलिए आपका रैबिट यदि पॉटी खा लेता है तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का एक रूप है और वो एक जरूरी प्रक्रिया है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें इसके लिए। देखिए, पॉटी खाने से क्या होता है कि कॉक्सिडियोसिस बीमारी हो जाती है, आइमोनिया नामक बीमारी का संक्रमण हो जाता है, इसलिए हम मेट्रोनिडाजॉल है, हाईटेक है, ली52 है, समय समय पर एक डीवर्मर की तरह देते रहते हैं ताकि बहुत ज़्यादा संक्रमण ना हो जिसके कारण हमारा पेट मरने की कगार पर आ जाए। और देखिए, जो कॉक्सिडियोसिस बीमारी है इसका हमने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके जाके आप देख लीजिए। इसलिए खरगोश को नियमित समय से ली52 वगैरह देते रहिए। अब आते हैं कि दूसरी चीज, देखिए खरगोश की पॉटी दो तरीके की होती है, एक लिक्विड फॉर्म में यानी हल्की गीली, और दूसरी टैबलेट फॉर्म में। टैबलेट फॉर्म वाली पॉटी जो है बिल्कुल टाइट गोल गोल पैलेट की तरह साइड स्क्रीन पर आप देखिए, और जो लिक्विड फॉर्म में होती है यदि लैट्रिन नहीं आ रही है रैबिट के तो वो जो टैबलेट है हल्की गीली गीली होगी, उसे खरगोश दोबारा खा लेता है। देखिए, जो लिक्विड फॉर्म वाली बॉटी है उसमें 2 गुना न्यूट्रिशंस होते हैं, मतलब खरगोश का अधपचा भोजन उसको वो दोबारा खा लेगा और फिर उसके बाद उसको एक टाइट पैलेट के रूप में बना के फिर से पॉटी कर देगा, तब जाके वो जो हमारा रैबिट है वो पूरी तरीके से अपने भोजन के बचे हुए न्यूट्रिशंस को वो दोबारा से गेन कर लेता है। क्योंकि रैबिट का जो पाचन तंत्र है बहुत कमजोर होता है, इसीलिए जो जंगली खरगोश है वो करीब 2 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। वहीं हम एक जो खरगोश अपने घर में लाते हैं वो करीब 4 से 5 साल तक जीते, मान लीजिए कि 5 साल तक तो हम उससे प्रॉपरली प्रोडक्शन लेते हैं, यानी जो घरेलू खरगोश है अच्छे से केयर की जाए 8 से 9 साल भी जी सकता है। देखिये,
जो एक लिक्विड वाली पोटी है उसमें 2 गुना न्यूट्रिशियंस होते हैं, यानी खरगोश की जो लैट्रिन है उसमें जो लिक्विड वाली है 2 गुना न्यूट्रिशियंस होते हैं, इसलिए उसको खरगोश दोबारा से खा लेता है और फिर टाइट टैबलेट के रूप में निकाल देता है, जिससे उसके बचे हुए न्यूट्रिशियंस वो बॉडी में ले लेता है। लिक्विड फॉर्म वाली जो पोटी होती है उसको सीकोट्रोप कहते हैं। सीकोट्रोप एक द्रव्य रूप में जो पोटी है उसमें उसको हम सीकोट्रोप कहते हैं। और सीकोट्रोप में जो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में होता है विटामिन बी और विटामिन B12, यानी जो सीकोट्रोप है खरगोश की द्रव्य लैटिन है उसमें बहुत ज्यादा विटामिन बी और विटामिन 12 होता है, जिसको खरगोश अपने शरीर में लेता है और फिर उसको दोबारा से खा के वो जो बचा हुआ न्यूट्रिशियंस है वो पूरा बॉडी के अंदर ले लेता है। और ये देखिए जो द्रव्य पोटी है वो खरगोश अकबर मतलब 90% रात में करता है। जब रात का समय होता है उसे भोजन पचाना होता है, और वो भोजन खरगोश जब मौसम ठंडा होता है तभी ज्यादा फीड खाता है, तब उसका लीवर काम करता है और वो उस समय द्रव्य पोटी अर्थात सीकोट्रोप करता है, और फिर उसको वो खा के सुबह तक बिल्कुल टाइट पैलेट के रूप में निकाल देता है। और ये इस प्रक्रिया में देखिए क्या होता है, बिल्कुल ये बात ध्यान से समझिए, जो द्रव्य पोटी खरगोश खाता है उसके बैक्टीरिया द्वारा खरगोश के भोजन के फाइबर को पचाया जाता है। खरगोश ज्यादातर हरा चारा खाता है, जिसके कारण क्या होता है उसका लीवर बहुत तेजी के साथ साफ हो जाता है, जिससे उसका अधपचा भोजन निकल जाता है। अब जब दोबारा वो जो द्रव्य पोटी सीकोट्रोप है उसको खरगोश ने खा लिया है, अब क्या होगा कि इस पोटी में जो बैक्टीरिया है इनके द्वारा भोजन के अंदर जो फाइबर है उसको पचाया जाता है, इसके कारण जिससे कि रैबिट को पूरे जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है उसके फीड में जो थी वो दोबारा से मिल जाती है। इसलिए रैबिट ट्रेनर राहुल पटेल का आपसे ये अनुरोध है, यदि आपका खरगोश पॉटी खाता है देख तो उसे खाने दीजिए। मतलब ये है कि वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का स्वरूप है, जिस तरह बड़ा जानवर जुगाली करके भोजन पचाता है और बचे हुए न्यूट्रिशंस या उसको अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए, उसी तरह खरगोश अपने फीड जो उसकी पॉटी है उसमें बचे हुए जो द्रव्य हैं जो उसमें जो बचा हुआ पोषक तत्व है उसको दोबारा से न्यूट्रिशन वैल्यू को दोबारा से पाने के लिए उसको खा रहा है। आप ध्यान रखिए कि उसको नियमित समय से Li-52 और ये मेट्रोनिडाजोल टैबलेट 4 mg एक खरगोश को चाहिए। आपके पास ज्यादा खरगोश है तो ये 4 या 6 खरगोश है तो 1/4 टैबलेट पानी में मिलाकर पानी में दे दीजिए हफ्ते में 2-3 दिन, जिससे उसके अंदर बहुत जो बिल्कुल जैसे अमोनिया नामक जो प्रोटोजोआ है उसका संक्रमण ना हो, कॉक्सिडियोसिस बीमारी ना हो और कोई बीमारी ना हो, लीवर फंक्शन धीरे धीरे सही चलता रहे। आशा करते हैं कि आज मनीष जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा, आप सभी को जवाब मिल गया होगा। देखिए खरगोश का पोटी खाना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे आर्कोफोटोफेजी कहते हैं, आप लोग बिल्कुल चिंता न कीजिए। देखिए यदि आपका कोई जुड़ा हुआ इस टॉपिक से और दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई सवाल है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे, आपका भाई आपके लिए वीडियो बना के आपको देगा और आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। आशा करते आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।